वेलकम स्टूडेंट्स इन ऑनलाइन क्लासेस ऑफ डिवाइन पब्लिक स्कूल एट साई विजय कुमार गौतम एंड इन दिस वीडियो स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू कवर अनदर इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 10th इंग्लिश टेक्स्ट बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट चैप्टर नंबर 3 द मिडनाइट विजिटर रिटन बाय रॉबर्ट आर्थर एंड फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स समरी ऑफ दिस चैप्टर अजेबल एक गुप्तचर था वह एक फ्रेंच होटल में ठहरा हुआ था एक युवा और रोमांचकारी लेखक जिसका नाम फाउलर था उससे मिलने आया फाउलर अजेबल को देखकर निराश हुआ क्योंकि वह पिलपिला मोटा व्यक्ति था उसका कमरा उस दुर्गंध और अंधेरे वाले होटल की सबसे ऊपरी और छठी मंजिल पर था जब उन दोनों ने कमरे में प्रवेश किया और अजेबल ने बिजली जलाई तो उन्होंने पाया कि कमरे के बीच में एक आदमी खड़ा था उसके हाथ में एक पिस्तौल था फाउलर के लिए यह उस दिन का पहला रोमांच था बंदूक वाले उस व्यक्ति का नाम मैक्स था उसने कहा कि वह वहां अजेबल से वह गुप्त सूचना छीनने आया है जिसको प्राप्त करने की वह प्रतीक्षा कर रहा था अजेबल शांत और ठंडा रहा यह होटल के प्रबंधकों के प्रति गुस्सा करता प्रतीत हुआ उसने छज्जे के बारे में एक मनगढ़ंत कहानी बनाई उसने उसे बताया कि उसके कमरे की खिड़की के नीचे एक छज्जा है और पिछले महीने भी एक अनजान व्यक्ति छज्जे के रास्ते से उसके कमरे में घुस गया था मैक्स ने अजेबल को बताया कि उसने कमरे में प्रवेश करने के लिए गुप्त चाबी का प्रयोग किया उसने इच्छा व्यक्त की कि उसने भी छज्जे के रास्ते प्रवेश किया होता या कुछ ज्यादा आसान होता रिपोर्ट आने में अभी आधा घंटा शेष था दरवाजे पर अचानक जोर की दस्तक हुई अजेबल मुस्कुराया उसने कहा कि यह अवश्य ही पुलिस होगी क्योंकि उसने ही उन्हें इतनी महत्वपूर्ण सूचना की सुरक्षा के लिए बुलाया था मैक्स घबरा गया वह खिड़की से छज्जे के ऊपर कूदा लेकिन जैसा अजेबल ने बताया था वहां कोई छज्जा नहीं था वह छठी मंजिल से नीचे जमीन पर जा गिरा और मारा गया तब दरवाजा खुला बैरी ने ट्रे शराब की बोतल और दो गिलास लेकर कमरे में प्रवेश किया अजेबल ने इन चीजों के लिए आदेश दिया था बैरा चला गया फाउलर को छज्जे के बारे में कुछ मालूम नहीं था उसे डर था कि मैक्स जल्दी ही छज्जे से वापस प्रवेश कर जाएगा लेकिन अजेबल ने उसे सच्चाई बताई कि डरो मत वह कभी वापस नहीं आएगा इस प्रकार फाउलर उसकी चतुराई और सूझबूझ से बहुत अधिक प्रभावित हुआ जो शुरुआत में उसकी शारीरिक संरचना देखकर उसे उबाऊ समझ बैठा था एंड Now students, theme of the story. The Midnight Visitor is a very thrilling account of a secret agent. Azebal's one particular episode. Azebal did not fit any description of a secret agent. He did not live up to the romantic picture of a secret agent that we read in books or see in movies and films. He was rather fat and sloppy. He lived in a very small room on the 6th floor. However, Azebal was gifted with a rare presence of mind. He was quick of action. His fertile brain could invent and cook up stories and situations that would confuse and unnerve his rivals. He cooked up the story of the balcony below the window of his room and the arrival of the police. He outwitted and outsmarted his rival and enemy secret agent Max, who had come to take away a very important paper concerning some new missiles. Through his presence of mind, Azebal was able to get rid of his rival Max. Okay, students, in the end, homework for this important chapter is you have to prepare summary of this interesting story.